जहाँ इस रेगिस्तान में एक मिरकैट अपने 3 हफ्ते के बच्चों के साथ यहाँ पर जायजा ले रहा था कि कहीं यहाँ कोई इसके बच्चों पर हमला करने वाला तो नहीं मौजूद है, जिसके बाद रास्ता साफ दिखने पर ये दूसरी ओर चला जाता है जहाँ की बाकी के मिरकैट्स भी खाने की ही खोज में लगे हुए थे और भूख तो ऐसी कि ये मिट्टी को फोड़कर भी उसमें शिकार खोज रहे थे। अब इन्हीं में से एक मिरकैट दूर खड़ा खतरे को भांप रहा था तो वहीं एक पेड़ पर चढ़कर ये काम कर रहा था। इन्हीं के बीच 3 हफ्ते का ये बच्चा भी आज शिकार के लिए अपने जिंदगी का पहला प्रयास कर रहा है तो ये तो उसके पास जाकर उसका निगाह है, पर ये बेचारा अभी भी भूखा ही था। और जब इसके माँ के हाथ एक शिकार लगता भी है तो वो होता है एक स्कॉर्पियन, जिसे मार कर ही इसकी माँ इसे देती है, लेकिन बिच्छू पूरी तरह से नहीं मरा होता इसलिए वो इसके मुंह पर अपना डंक मारने की कोशिश अब भी करता रहता है। पर यहाँ तो कहने को ये नन्हा मिरकैट जीत गया, लेकिन अभी असली जीत बाकी थी और वो तब हुई जब दोपहर होने पर इन्हें छांव की ओर भागना पड़ा।